गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। डैड आप अलमारी में क्या कर रहे थे? हाँ डैड, आप अलमारी के अंदर क्यों छुपे थे बताओ? मैं अलमारी बताओ बताओ डैड जल्दी से। छुप रहा, आइस पाइस खेल रहे थे। आइस पाइस? हाँ आइस पाइस खेलो यार तुम लोग भी। अरे बहुत मजा आएगा, चार लोग खेलेंगे। एक काम करो तुम लोग जाके छुपो, मैं 1 2 3 काउंट करता हूँ। 1 You're welcome. तुम थैंक यू तो कहोगी नहीं, इसलिए मैंने ऐसी वेलकम कह दिया। वैसे तुमने मुझे अलमारी में क्यों बंद किया? क्योंकि मैं घबरा गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अचानक से नीलम आंटी आ गई बच्चों के साथ में और फिर बस मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि अभी वो आ जाएंगी और तुम यहाँ देख लेंगी तो पता नहीं वो क्या क्या सोचेंगी और फिर मुझसे कुछ ना कुछ पूछेंगी और उसमें अब ताकत नहीं है उन्हें बोलने की बार बार कि मुझे उनके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लेना देना नहीं है मुझे, बस इसीलिए अपना। ये तो बहुत ही स्टूपिड बात है। हाँ सच में, इससे अच्छा तो मैं सच सच बता देता मॉम को कि कल रात को क्या हुआ। मैं यहाँ कॉरिडोर से जा रहा था, मेरी नज़र तुम पे पड़ी और तुम ना ऐसे शिवर कर रही थी, तुम्हें ठंड लग रही थी, तो मैं वापस तुम्हारे कमरे के अंदर आया, एसी का टेम्परेचर बढ़ाया, तुम्हें अच्छे से चादर ओढ़ाई और तुम बहुत अनकंफर्टेबल सो रही थी तो एक तकिया फंस गया था तुम्हारे यहाँ पे सर के पीछे, तो मैं वो तकिया हटाने की कोशिश कर रहा था, तकिया हटाया और मेरा एक हाथ ना तुम्हारे पीछे सर के पीछे रह गया, इसलिए वो हाथ पूरी रात वहीं अटक गया और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं वहीं पर सो गया पूरी रात। यही हुआ सच में, मैं फ्रेशन अप हो जाता। मतलब तुम पूरी रात रूम में नहीं गए? नहीं। ताकि मेरी नींद खराब ना। हाँ। तुम जो मिल गए तो खुदाया मिल गया, आज को मेरे तेरा साया रब से मिला एक आया बन गए ख्वाबों का मेरे मकान बन गए आपकी तारीफ में क्या कहे आप हमारी जान बन गए।